latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. सलमान खान और कटरीना कैफ टिंसल टाउन के पावर कपल माने जाते थे और उनके ब्रेकअप की खबर ने तो हमें हैरान ही कर दिया। हालांकि इन दोनों ने कभी भी ओपनली अपना रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया था, मगर सच तो सभी को पता ही है। ऐसे में करीब 10 साल पहले जब कैट और सलमान एक दूसरे को डेट कर रहे थे, करण जौहर ने कटरीना से पूछा कि अगर सलमान उनसे शादी के लिए कहेंगे तो उनका जवाब क्या होगा। तब पहले तो कैट सवाल सुनकर हड़बड़ाई और फिर प्रोटेस्ट करते हुए आखिर जवाब में कहा कि डिपेंड करता है कि वो मुझसे कब पूछेंगे। वाओ, अब जो हमें कैट का ये जवाब पता चल गया है तो हमारे दिल में भी एक ख्वाहिश जग गई है कि काश सलमान ने सच में कैट का हाथ मांगा होता। तो आज ये दोनों स्टार्स पति पत्नी होते और हम इन दोनों की केमिस्ट्री को रियल लाइफ में भी एंजॉय कर सकते, है ना? सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी हो चुकी है और आज भी लोग इन दोनों के ग्लैमरस संगीत, शादी और ग्रैंड रिसेप्शन की चर्चा कर रहे हैं, जहां सभी ने कई हसीन पल बिताए, मगर इन सब के बीच दो गेस्ट्स के बीच आ गई कड़वाहट। जी हां, ये तब हुआ जब सलमान खान की भाभी सीमा खान और ऋषि कपूर के बीच हो गया झगड़ा। कहा जा रहा है कि सलमान ने ऋषि जी को रिसेप्शन पर ग्रीट नहीं किया और खुद नाचते और एंजॉय करते नजर आए। इस बात से नाराज ऋषि ने जब सीमा से शिकायत की तो अपने देवर को समझाने के बजाय सीमा ने कर दिया ऋषि से झगड़ा। अब बात इतनी बढ़ गई कि ऋषि गुस्से में रिसेप्शन से चले गए। बाद में सलमान को इस बात का पता चला, मगर तब तक ये वेटरन स्टार जा चुके थे, जिसके बाद सभी काफी शॉक थे। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान ने कई बार ये प्रूव किया है कि वो एक मल्टी टैलेंटेड स्टार है। एक्टिंग के अलावा उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में भी अपना नाम कमाया है। उनके मैं हूँ हीरो तेरा गाना आज भी हिट है और अब म्यूजिक कंपोजर विशाल मिश्रा ने बताया है कि सलमान की अपकमिंग थ्रिलर रेस 3 में 6 गाने होंगे, जिनमें से 3 रोमांटिक ट्रैक्स होंगे, जिसे खुद सलमान ने ही लिखा और गाया है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चला है कि तीनों गाने फिल्म में होंगे कि नहीं, मगर कम से कम 2 गाने तो पक्का इस फिल्म में इंक्लूड किए ही जाएंगे। अब ये खबर सुनकर हमें यकीन है कि रेस 3 का जूक बॉक्स डेफिनेटली टॉप पोजीशन की रेस जीत जाएगा, है ना? सलमान खान ने हाल ही में अनाउंस किया था कि रेस 3 का ट्रेलर अभी तक रेडी नहीं हुआ है और ये सुनकर कई फैंस काफी निराश हुए। और जहां वो इस ट्रेलर को कंप्लीट करके 4 दिन बाद लॉन्च करने के काम में बिजी थे, वो
वहीं कुछ बच्चों ने उन्हें ऑटोग्राफ और पिक्चर्स के लिए अप्रोच किया। उस वक्त सलमान काफी बिजी थे, मगर बच्चों को देखकर उनका दिल पिघल गया और वो इन बच्चों को मना नहीं कर पाए। ऐसे में उन्होंने इन बच्चों के साथ अपनी सिकंदर अवतार में पिक्स तो क्लिक की ही, साथ ही उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए। अब सलमान के इस जेस्चर से उन्होंने सीधे हमारे दिल में जगह कर ली है, और वो भी उनकी फिल्म के रिलीज से पहले। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। हम सब जानते हैं कि वीरे दी वेडिंग एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है, जिसमें करीना कपूर खान, स्वरा भास्कर, सोनम कपूर और शिखा तलसानिया लीडिंग रोल्स में नजर आएंगे। पर अब हमें पता चला है कि सलमान खान की अलेजेड लेडी लव यूलिया वंतूर भी इस फिल्म का हिस्सा है। क्या, मगर हमें पता कैसे नहीं चला? हमने तो यूलिया को प्रोमो में भी नहीं देखा। वेल वेल वेल, ये इसलिए कि यूलिया इस फिल्म में है तो, मगर एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि सिंगर के तौर पे। जी हाँ, आपने सही सुना, इस फिल्म के टाइटल ट्रैक में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7 सिंगर्स गाने वाले हैं। और गेस व्हाट, यूलिया की आवाज भी हमें इस पार्टी नंबर में सुनाई देगी। 1 जून को रिलीज होने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग में यूलिया के पार्टी नंबर से 4 चांद तो लग ही जाएंगे, है ना? धक धक दीवा माधुरी दीक्षित जल्द ही फिल्म बकेट लिस्ट के साथ मराठी सिनेमा में डेब्यू करने वाली है, और इस फिल्म में हमारे बर्फी स्टार रणबीर कपूर भी केमियो रोल अदा करते नजर आएंगे। इस फिल्म का प्रोमो ऑलरेडी आउट हो चुका है, जिसमें हम माधुरी को सीनियर बच्चन अमिताभ के फेमस डायलॉग दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है बोलते देख सकते हैं। जब माधुरी से पूछा गया कि उनके सलमान खान की बकेट लिस्ट में क्या होगा, तो माधुरी ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद एक और टाइगर। टाइगर अभी जिंदा है। वेल, तो अब जो माधुरी ने सलमान खान की बकेट लिस्ट के लिए अपनी विश एक्सप्रेस की है, तो क्या उनके हम आपके हैं कौन को स्टार उनकी ये विश पूरी करेंगे? आपको क्या लगता है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान की ईद रिलीजेस से फैंस काफी डिलाइटेड रहते हैं, और इस साल उनकी अपकमिंग थ्रिलर रेस 3 भी सभी को खुश कर देगी। कल जब सलमान ने अनाउंस किया कि रेस 3 का ट्रेलर अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो फैंस काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। और फिर सलीम मर्चेंट ने ट्रेलर का फर्स्ट लुक आउट कर दिया, जहां सलमान अपने सिकंदर अवतार में नजर आए। ब्लैक टी शर्ट और हाथ में बंदूक पकड़े सलमान काफी हॉट लग रहे थे। सलीम ने इस पिक के कैप्शन में लिखा, Very excited for everyone to experience Race 3 trailer. It is going to be epic. My my. इस पिक को देखकर तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेकर्स अब जल्द ही इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर देंगे। वेल, सलमान को उनके सिकंदर अवतार में देखने के बाद हमें तो ट्रेलर लॉन्च का बेसब्री से इंतजार है, और आपको, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान के स्वैग का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, और हाल ही में उन्होंने एक अमेजिंग ट्रेंड शुरू कर दिया है। जी हाँ, हमने सलमान को एक फ्लैशी ब्लैक एंड व्हाइट सूट में देखा, जिसमें बड़े बड़े पोल्का डॉट्स भी थे। माय माय, ऐसा अनकन्वेंशनल स्टाइल किसी के लिए भी कैरी करना आसान नहीं होता, मगर सलमान ने ये बड़ी ही आसानी से कर दिखाया। और अब अगर उनके बाकी स्टाइल स्टेटमेंट्स की तरह ये भी वायरल हो गया, तो फिर हमें जल्द ही पोल्का डॉटेड कोट्स का फैशन नजर आएगा। वर्क फ्रंट पर सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग थ्रिलर रेस 3 के पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में बिजी हैं, जिसके बाद वो अपनी अगली फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। और अब उन्हें इस पोल्का डॉटेड अवतार में देखकर हम एक बार फिर उन्हें देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो गए हैं। और आप? सलमान खान वाकई में एक सुपरस्टार हैं, और अपने बिजी शेड्यूल के चलते भी वो कभी अपनी ड्यूटी से नहीं भागते हैं। इन दिनों
सलमान अपनी आने वाली थ्रिलर रेस 3 के पोस्ट प्रोडक्शन के काम के अलावा अपनी अगली फिल्म भारत की शूटिंग शेड्यूल को वर्कआउट करने में बिजी हैं। और फिर भी जब उन्हें पता चला कि एक फिजिकली चैलेंज्ड लड़की बड़ी दूर से उनकी एक झलक पाने के लिए आई है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उस लड़की के साथ सेल्फी क्लिक की। सलमान से मिलकर और उनसे बात करने के बाद इस लड़की के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। सच में बॉलीवुड के सुल्तान का ऑरा ही ऐसा है कि कोई भी इससे दूर नहीं हो सकता, है ना?